ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸਤਪਾਲ ਸੀ। ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। मजदूरी चीज मैं वही से सहारा था। कुछ मैं बच्चे वही तो मेरा तो जो कुछ था, बस बच्चे पालने में तो मजदूरी है, ढूंगे खोटे हमारे। मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ और हमारे मामा अपने पापे के मारे स्कूल में जाते थे, इसे माने कौन पढ़ावेगा। ये हमारे गांव का सबसे गरीब परिवार है और इनका जो सहारा था पढ़ाने का, लिखाने का, परिवार के पालन पोषण का, ये एक ही सहारा था, जो कि पूरा घर यही सतपाल जी चलाते थे और अब इनका कोई भी सहारा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सरकार मदद करे। पुलिस कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं उनको भी मैं देखकर आया हूँ, सारा मैंने पूछा भी है कि क्या किस कारण से ये घटना घटी, क्या इसका कारण है। तो सर परिवार नौकरी की मांग कर रहा है, 5 लाख रुपए मुआवजा उनको दिया जाए। पर्याप्त नहीं है, चार चार छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 लाख रुपए मुआवजा क्या कीमत 5 लाख रुपए। देखिए मुख्यमंत्री जी ने, देखो जिंदगी की कीमत तो दी नहीं जा सकती और मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए दिए हैं इनके लिए, तो परिवार की गरीबी को देखते हुए मैं भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देता हूँ। और जहाँ तक नौकरी की बात है वो भी हम देखेंगे। सर कल शाम की घटना है, रात सुबह हम यहाँ मीडिया आया तो उसके बाद अधिकारियों और नेताओं का नक्सल हुआ। पहले किसी ने कोई सुन भी संवेदनहीनता जायज है इतनी ऐसी सरकार में, सुबह तक कोई नहीं था। यहाँ तक कि प्रशासन मीडिया से जानकारी भी नहीं दे रहा था कि हादसा हुआ, कोई जानकारी नहीं दे गई। अगर प्रशासन ने इस प्रकार का किया तो देखो मुझे तो जैसे ही पता चला तो मैं तो दिल्ली से उसी वक्त चल पड़ा। दिल्ली से आया और मैंने कहा कि मैं संवेदना प्रकट करके जाऊंगा और जरूर मैं मिलकर जाऊंगा जो भी है। अब बाकी अधिकारी क्यों नहीं आए इसकी भी हम जरूर जानकारी हासिल करेंगे। और जो नेग्लिजेंस है, जो इस प्रकार की संवेदनहीनता है, उसको हम मेरी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर अगर बात करें, आपने सरकार में रहते काफी सराहनीय पहल की है, लेकिन खबरों की दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।